आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल आप लोगों को स्टार आईक्यू पीडीएफ का नाम का एक टेलीग्राम चैनल है यहां पे मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और आज 15 जनवरी को आर्मी दिवस यानी कि थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। मेरी तरफ से आप सभी को आर्मी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आर्मी का जवान हमारी बॉर्डर्स पे रक्षा करता है, जितना बल लगा के रक्षा करता है उतना ही बल लगा के आप अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा और एक अच्छे और यूं कहिएगा संस्कारी बच्चे या एक अच्छे व्यक्ति बनिएगा, समाज को आगे लेके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या था कि हरियाणा में अब कितने साल तक रहने वालों का भी डोमिसाइल बनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर था 5 साल तक रहने वालों का डोमिसाइल बनाया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा वाइल्ड लाइफ विभाग ने हाल ही में किस नगर निगम को 10 साल बाद बंदरों को जंगल में छोड़ने की अनुमति दी है। ये अभी रिसेंटली जो है वाइल्ड लाइफ विभाग ने फरीदाबाद नगर निगम को जो है कहा है कि 10 साल बाद बंदर और लंगूर जो है इनको जंगल में छोड़ने की अनुमति दी है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। शहर में जो है देखो बंदर होंगे तो जाहिर सी बात है उत्पात तो मचाते ही होंगे, इनको पकड़ के अरावली के जंगल में छोड़ने का आदेश दिया गया है। ठीक है, नगर निगम को अनुमति मिल भी गई है और ये अनुमति दी किसने, हरियाणा वाइल्ड लाइफ विभाग ने दी है। ठीक है, ऐसा वैसे इससे पहले करने के लिए रोक रखा था क्योंकि नगर निगम तो खुद ही चाहता है कि हम लोग ऐसा कर दें, लेकिन इससे पहले नगर निगम ने इस पे रोक लगा रखी थी और ये 10 साल पुरानी बात है, नगर निगम ने रोक लगा रखी थी। लेकिन अब जो है तकरीबन 2000 बंदर है या इससे भी ज्यादा बंदर है, लंगूर है, इनको जो है छोड़ा जाएगा। कहां पे भाई, इनको छोड़ा जाएगा अरावली के जंगलों में। फरीदाबाद का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है, क्षेत्रफल 742.9 के अराउंड है, उपनाम है हरियाणा की औद्योगिक नगरी है, झरना मंदिर है, पंखा मेला है और सूरजकुंड मेला जो कि 35 सालों में इस बार जो है आयोजित नहीं होगा ड्यू टू कोविड-19। हाल ही में हुए 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम ने हरियाणा के किस जिले के वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखो 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर सीधी सी बात यह है कि जो मकर संक्रांति अभी रिसेंटली हम लोगों ने सेलिब्रेट की ही थी 14 जनवरी को। ठीक है, और इस दिन जो है सूर्य नमस्कार हुआ था और सूर्य नमस्कार में जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्या को। और ये संदीप आर्या जो है ये रहने कहां के वाले हैं, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मकर संक्रांति पर भारत के 28 राज्यों में से और 40 अन्य देशों के लगभग 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया था। ठीक है, और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के द्वारा यह आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, संदीप आर्या को बनाया गया था। और एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी है या योग गुरु है, इनका नाम है मंगेश त्रिवेदी। ठीक है, और ये तो बात आपको समझ में आ ही गई। इतनी जिक्र करने के बाद में हिसार के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है, क्षेत्रफल तकरीबन 3983 वर्ग किलोमीटर है, विधानसभा में हिसार है, उकलाना है, बरवाला है, आदमपुर है, हांसी है, नलवा है और नारनौद का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की स्टील सिटी है, हरियाणा की मैग्नेट सिटी है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी कहलाता है ये। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग है, जिंदल पाइप उद्योग है, रविंद्रा पाइप उद्योग है, सूती धागा मील भी फेमस है इसमें। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के 33 राजकीय स्कूलों में जन पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। 33 राजकीय स्कूलों में जन पुस्तकालय। सर जन पुस्तकालय क्या होता है, जन पुस्तकालय का मतलब है आम लोगों के लिए भी लाइब्रेरी खोल दी जाएगी, यानी कि गांव का कोई भी लोग जो है वो लाइब्रेरी में आके पढ़ सकता है। और ऐसी लाइब्रेरी जो है वो खोली जाएगी, किस जिले के अंदर खोली जा रही है भाई, तो ये सीएम सिटी है यानी कि करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 33 राजकीय स्कूल यानी कि 33 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। कई बार क्या होता है कि मतलब जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, जिनका पढ़ाई का लिंक नहीं है, गांव में खेतीबाड़ी ही कर रहे हैं या कोई और प्राइवेट काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों का भी तो पढ़ने का दिल हो ही सकता है। तो इन सभी के लिए जो है एक लाइब्रेरी जो खोल दी है, किताबों को मित्र बना के अपने पास स्कूल में जन पुस्तकालय में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे ग्रामीण वासी और विद्यार्थी सारे के सारे ही। ठीक है भाई,
चलिए इतनी बात आपको याद रखनी है, ये स्कूल है जहां पे खोली जाएंगी, आप पीडीएफ फाइल में पढ़ सकते हैं इन्हें। करनाल की बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल तकरीबन 2520 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में करनाल है, नीलोकेडी है, घरौंडा है और असंध का नाम आता है। उपनामों में धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं, कर्ण नगरी के नाम से भी पुकारते हैं इसे। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग है, वनस्पति उद्योग है और मंदिरों में सीता माई का मंदिर जो है ये फेमस है। हरियाणा के किस जिले में पराली से सीएनजी बनाई जाएगी? हरियाणा के किस जिले में पराली से सीएनजी बनाई जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैथल, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पराली में जो है आपका बहुत सारे जो है यूं कहिएगा गुण होते हैं, लाइक एथेनॉल भी बनाया जा रहा है। तो टाइम पहले भी आप लोगों ने ऐसी न्यूज पढ़ी होगी। इसके लिए छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाएंगे और हर एकड़ पे 8 से 10 हजार रुपए किसानों को जो है आमदनी होगी इससे। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस होती है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छी सी बात हो जाएगी, ठीक है। कैथल की बात करें तो कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है और विधानसभा क्षेत्रों में कैथल, पुंडरी, कलायत और गुहला का नाम आता है। उपनाम बहुत है इसके, नवग्रह कुंड की वजह से इसे छोटी काशी कहते हैं, वानरों की भूमि कहते हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहते हैं और गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पे जो है एक 5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा स्टील का गुरुद्वारा भी बनाया जा रहा है और कपिल नगरी के नाम से भी पुकारते हैं इसे। यहाँ पे प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है, ब्रिक्स मंदिर है, अंबिकेश्वर मंदिर है, एक यहाँ पे फाल्गु मेला लगता है फरल गांव में, वो भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। हरियाणा की सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन द्वारा राज्य में हर घर की दीवार पे किसका चार्ट लगाया जाएगा? सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन, ये आप सभी को पता ही होगा, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। बीबीपुर गांव है जींद जिले का, वहां के पूर्व सरपंच है जिनका नाम है सुनील जागलान, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है और उसमें से अभी एक नया एक काम स्टार्ट हुआ है कि दीवारों पे महावारी का चार्ट लगाया जाएगा, यानी कि जो फीमेल्स की पीरियड्स आते हैं या यूं कहिएगा आप लोग रजो धर्म से रिलेटेड है ये। जैसे क्या होता है कि आज भी समाज में जो है इस चीज को बड़ा ही अजीब सा मानते हैं या यूं कहिएगा इस पे लोग मजाक उड़ाते हैं या इस चीज को प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं, लेकिन देखो सोचने और समझने वाली बात तो इतनी सी है, ये अगर ना हो तो समाज भी कैसे आगे बढ़े। और अगर ये समझिएगा आप लोग कि ये कोई उनके वश का तो है नहीं, दिस इज ए नेचुरल कॉल, तो इस चीज को समझना चाहिए। किसको समझना चाहिए? घर के पुरुषों को समझना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इन दिनों के दौरान, अब देखो क्या होता है कि बीइंग ए बायो टीचर, मैं बायो का अध्यापक होने के नाते मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे इस इन कंडीशन के दौरान जो है बहुत पेन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग बहुत होता है, तो इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए लोग क्या उसको थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, क्या है कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही टिपिकल डेज होते हैं एक फीमेल के लिए, लेकिन क्या है कि नहीं समझ पाते। तो किया क्या है सुनील जागलान जी ने, यहाँ पे हर घर के आगे चार्ट लगाया जाएगा। अभी तकरीबन तकरीबन डेट फिक्स होती है कि इन तारीख से लेके इन तारीख के बीच में जो है वो डेट्स आने वाली हैं। तो क्या है कि लोगों को थोड़ा घर के पुरुष जो है जागरूक हो जाएं तो महिलाओं का थोड़ा सा ख्याल रख सके, ये रिलेटेड ऐसा ही है। और ये जो है शुरू किया है 13 जनवरी को, क्योंकि 13 जनवरी को जो है मेरी केंद्र की पुण्यतिथि मनाई जाती है। मेरी केंद्र ही वो पहली व्यक्ति या महिला थी जिन्होंने जो है महिलाओं के लिए महावारी के दौरान सैनिटरी नैपकिन बेल्ट की खोज की थी, ये ठीक है। चलिए इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और अगला क्वेश्चन हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा सरकार ने किसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ओएसडी नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया है इनका जो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी रहेगा, ये सुधांशु गौतम, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सुधांशु जो गौतम है ये एचसीएस है और इनको मुख्यमंत्री जी का अभी रिसेंटली ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है ओएसडी, और ये घोषणा जो है की है विजय वर्धन जी ने की है जो कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, और ये हैं सुधांशु गौतम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है? ये मैंने आपको कल क्वेश्चन पढ़ाया था, लेकिन इस योजना का नाम और है याद रखिएगा, उड़ान योजना। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखिएगा 14 जनवरी को ये स्टार्ट हुई है चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। दूसरा चरण इसका 18 जनवरी को होगा हिसार और देहरादून का, और तीसरा चरण जो है 23 जनवरी को होगा हिसार और धर्मशाला का। बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले पेपरों के लिए।
केंद्र सरकार ने TITP के तहत हरियाणा के विद्यार्थियों को विदेश भेजने के लिए किस विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया है? TITP, ठीक है, TITP के तहत जो है विदेश भेजने के लिए अभी रिसेंटली विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जो है नोडल विश्वविद्यालय बनाया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत हरियाणा सरकार अपने विद्यार्थियों को खासकर जापान में पढ़ने के लिए भेजेगी और इसके लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया है। यहाँ पे ऑलरेडी 80 से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके तहत जापान में विद्यार्थियों को भेजा जाएगा, उनसे कोई खर्चा भी नहीं लिया जाएगा और विद्यार्थी वहां पे पढ़ने जो है जाके पढ़ के और फिर इंडिया में आके काम करेंगे, तो यूं कहिएगा आप लोग हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और काम जो है वो भी बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनने वाले किशाऊ डैम से हरियाणा के हिस्से में कितने प्रतिशत पानी आएगा? तो हरियाणा के हिस्से में जो है भाई 47% पानी आएगा, सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसकी लागत तकरीबन 10,500 करोड़ रुपए है, 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा होगा ये, और करीब 660 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करेगा। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम पहले पढ़ाया भी था लेकिन आज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि उस दिन क्या हो रही थी, मीटिंग हो रही थी और इस पे बात चल रही थी, लेकिन आज ये मीटिंग जो है वो फाइनल हो चुकी है इसलिए आज ये क्वेश्चन फिर से पढ़ा रहा हूं आपको मैं। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा और डैम से हरियाणा के हिस्से में 47% जो है वो पानी आएगा। हरियाणा के किस जिले के राहुल का आइडिया एयर पॉल्यूशन व वाटर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए चयनित हुआ है? एयर पॉल्यूशन व वाटर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए चयन हुआ है राहुल का आइडिया और राहुल रहने वाले हैं सिरसा के, ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक है। जून 2020 में जो है युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ की शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने और इसमें पूरे हरियाणा से 5 विद्यार्थियों के आइडिया चयनित हुए हैं, जिसमें सिरसा जिले के एक बच्चे का आइडिया चयनित हुआ है। इसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कैसे जो है मशीनों को इंसान की तरह काम करवाया जा सके और इसमें से जो है वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक आइडिया जो है चयनित हुआ है राहुल का, ये है राहुल। और बात करते हैं सिरसा की, सिरसा का क्षेत्रफल तकरीबन 4270 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1 सितंबर 1975 को। सिरसा, कालावाली, रानिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है पेपर में ये, डबवाली और अहलाबाद, ये सारे सिरसा से रिलेटेड है और संतों की नगरी कहते हैं, वन नगरी भी कहते हैं और साहित्यिक नगरी के रूप में भी पुकारते हैं इसे। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा क्या, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किस के रूप में स्थापित करने का फैसला किया है? ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल यूनिट है, ग्लोबल हरियाणा है या सारे ही है? बताइए विस्तार से, इसके बारे में कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।